मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के घास वाले कंपाउंड में रहने वाले एक परिवार की मध्य प्रदेश के भोपाल में सड़क हादसे में दो बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक 7 माह की बच्ची के सिर में गंभीर चोट लगी है। आपको बता दें कि मुमरा के घास वाला कंपाउंड के पिनाइकल इमारत में फिरोज आलम अपनी बीवी और 5 बच्चों के साथ रहते थे। मूल रूप से ये रहने वाले उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के ग्राम गौरा भावी के रहने वाले थे। इस लॉकडाउन में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करते हुए फिरोज आलम अपने परिवार के साथ अपने गांव बलरामपुर के लिए 27 मई को कार में सवार होकर रवाना हुए थे, मगर इस परिवार को क्या पता था कि इनके साथ क्या होने वाला है। अगले ही दिन यानी 28 मई को भोपाल के ब्यावरा हाईवे पर फिरोज आलम को अपनी कार की तरफ एक पत्थर जैसी चीज़ उड़ते हुए अपनी कार की तरफ आता दिखाई दिया, जिससे बचने के लिए कार का रुख दूसरी तरफ कर लिया, मगर जिस तरफ कार का रुख किया उस तरफ जानवर थे और जानवर को बचाने के लिए कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और जिसमें दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में सऊद फिरोज 15 साल और कासिफ फिरोज 10 साल की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक 7 माह की बच्ची के सिर में गंभीर चोट लगी है। हादसे की जानकारी भोपाल में ही रहने वाले फिरोज आलम के रिश्तेदार जावेद अनीस को दी गई और मौके पर घटनास्थल पर विधायक आरिफ सऊद, जावेद अनीस और सामाजिक लोग भी पहुंच गए। घायल बच्ची को हमीदिया अस्पताल में भर्ती किया गया। एक हंसता मुस्कुराता परिवार मुमरा से अपने घर यूपी पहुंचने के लिए निकला था, मगर रास्ते में ही अपने 2 बेटों को खो दिया। कासिफ और सऊद के शव को भोपाल के ही एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया है। घटना होने के बाद विधायक आरिफ सऊद ने फिरोज के परिवार को काफ़ी मदद की। सारा बंदोबस्त विधायक आरिफ सऊद ने ही किया, जो इस गम की घड़ी में इनका साथ दिया। मुमरा के घास वाले कंपाउंड में रहने वाले फिरोज आलम अपने घर से अपनी बीवी और बच्चों के साथ यानी कार में कुल 7 लोग सवार होकर यूपी के बलरामपुर के लिए निकले थे, मगर इस सड़क हादसे में कासिफ और सऊद की जान चली गई। दोहरा रहे हैं कि हम अपने घर पे होते ना तो ये खिदमत ये नहीं मिल पाता, इतना इलाज भी नहीं हो पाता उतना अच्छा। और भाई की वजह से जहाँ हमको एडमिशन मिला, जिस तरह से देखभाल हुई, बस रहने सहने का इतना अच्छे से इंतजाम किया और लोग लगे रहे। इतना मेहमान जो अपने घर का हो तो शायद पता नहीं कोई करता होगा कि नहीं करता होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत मुख्तलिफ डिफरेंट देखा सब सब जगह से। बाकी दिल से नहीं निकलेंगे ये जगह लोग, यही अपना है तासुर है यहाँ का। और उसके अलावा दुआएं हैं भाई के लिए, सारी मसूद हैं, उनको दुआओं में याद रखें। वो अल्लाह उनको इतनी तरक्की दे ना कि हमारे ऐसे समाज लोगों को संभाल ले, अल्लाह उनको इतना ऊपर ले जाए। हालांकि परिवार पर 2 बेटों को खोने का गम तो था ही, ऐसे में उनके लिए विधायक आरिफ सऊद मददगार बनकर सामने आए और भोपाल से विधायक आरिफ सऊद फिरोज आलम के परिवार को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जाने के लिए बंदोबस्त किया। और 30 मई को भोपाल से बलरामपुर के लिए फिरोज आलम अपने परिवार के साथ काशिफ और सऊद की यादों को अपने दिल में समेट कर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के लिए रवाना हो गए। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।